बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। यूनिट नंबर 3 फ्रैक्शन एक्सरसाइज नंबर 1, आखिरी दो क्वेश्चंस है 3 और 4। यूनिट 3 एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखें। टू प्रैक्टिस फॉर अ मैराथन रेस, राहिल रेन 1/4 किलोमीटर ऑन मंडे, 3/8 किलोमीटर ऑन ट्यूसडे एंड 15/6 किलोमीटर ऑन वेंसडे। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ही कवर्ड इन 3 डेज। मैराथन रेस लंबी दौड़ को कहते हैं। इसमें नॉर्मली 26 मील फासला होता है। एक दिन 1/4 किलोमीटर, दूसरे दिन 7/8 किलोमीटर, तीसरे दिन 15/6 किलोमीटर, ये राहिल ने दौड़ लगाई। और फाइंड द टोटल डिस्टेंस ही कवर्ड इन 3 डेज, तो टोटल कुल फासला इन 3 दिनों का कुल फासला ये हमने मालूम करना है। तो क्वेश्चन में ही जो और जो डिस्टेंस है टोटल, और ये हमने मालूम करना है, तो इसके लिए एडिशन करना होता है। और इस एक्सरसाइज में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ी है, तो यहाँ पे भी एडिशन ही है दरअसल में। अब ये वही क्वेश्चन है लेकिन उसकी शक्ल अलग है। तो मंडे वन और फोर किलोमीटर और ट्यूसडे 7/8 किलोमीटर्स और वेंसडे 15/6 किलोमीटर। ये अब टोटल डिस्टेंस के लिए फ्रैक्शंस को ऐड करना है, ठीक। 1/4 प्लस 7/8 प्लस 15/6, वही क्वेश्चन इससे भी बन गया। अब इसका एलसीएम मेथड तो आपको याद है, 4 8 6, 2 2 4, 2 4 8, 2 3 6, 2 1 2, 2 2 4 और 3, 2 1 1 और 3, आखिर में 1 1 और 1। तो एलसीएम आप लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 3, 3 × 6, 6 × 12, 12 × 24, तो इसका एलसीएम आता है 24। अब हर एक फ्रैक्शन को हमने इक्विवेलेंट बनाना है जिसका डिनोमिनेटर एलसीएम के बराबर हो, और एलसीएम क्या है 24। फर्स्ट फ्रैक्शन देखें, 1/4 मल्टीप्लाई 24 आना चाहिए, तो 6 के साथ मल्टीप्लाई करें और ऊपर भी 6। फिर है प्लस, सेकंड फ्रैक्शन क्या है, सेकंड फ्रैक्शन है 7/8, 8 इसके साथ मल्टीप्लाई करना है ताकि 24 आ जाए, 3 ऊपर भी। फिर प्लस थर्ड फ्रैक्शन है 15/6, तो ये है 15/6 और इसके साथ मल्टीप्लाई करना है 4, ठीक है। अब 6 × 1 = 6 आएगा, 6 × 4 = 24 आएगा, प्लस 7 × 3 = 21 आएगा, 8 × 3 = 24 आएगा, प्लस 15 × 4 = 60 आएगा, और 6 × 4 = 24 आएगा। अब देखें, तीनों फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट बन गए जिसका डिनोमिनेटर एलसीएम के बराबर आ गया। अब एडिशन वेरी सिंपल, एक ही 24 एलसीएम ले लो नीचे, और जितने भी ऊपर नंबर्स हैं सबको ऐड करो, ठीक।
60, 20, 81, 81 और 6, 87। अब न्यूमिरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, तो यहाँ पे हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। 24 टू के साथ मल्टीप्लाई करो तो 48 आएगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, 3 के साथ चेक करते हैं, 4 3 12 और 3 2 6 और 1 7, बिल्कुल सही, 3 के साथ सही आता है क्योंकि 4 के साथ फिर ग्रेटर नंबर आएगा, तो ये सही है। यहाँ से आएगा 5, यहाँ से आएगा 1, 15 आया। इसके बाद लिखो 3 × 15 डिवाइड बाय 24। अब इसको मज़ीद हम कैंसिल कर सकते हैं, 5 3 15 और 8 3 24, 3 के साथ, तो फाइनली इसका आंसर आएगा 3 × 5 डिवाइड बाय 8। ठीक हो गया बच्चा। अब इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखें, 7 स्पेंड 2 × 1 hour 2 hours टू प्रिपेयर फॉर हिज मैथमेटिक्स टेस्ट एंड 1 × 1 hour 4 hours टू प्रिपेयर फॉर हिज उर्दू टेस्ट, कैलकुलेट क्या। नंबर ए, इन विच सब्जेक्ट डिड ही स्पेंड मोर टाइम, किस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन में उन्होंने ज़्यादा टाइम लगाया, एंड बाय हाउ मच और कितना टाइम उससे ज़्यादा लगाया, सही। ये पार्ट ए। पार्ट बी में क्या है, हाउ मच टाइम डिड ही स्पेंड स्टडिंग ऑल टुगेदर, टोटल उन्होंने कितना टाइम लगाया जो दोनों सब्जेक्ट की तैयारी की है, किसने, साध ने। यहाँ से भी आप अगर देखें तो अंदाज़ा होता है, ये 2 × 1 hour 2 को हम ढाई कहते हैं, सही, और 1 × 1 hour 4 को हम 1.25 कहते हैं। यहाँ पे साध ने मैथमेटिक्स की तैयारी के लिए 2.5 घंटे दिए या 2.5 घंटे तैयारी की, और यहाँ पे उर्दू के लिए 1.25 घंटा। तो इधर से भी अंदाज़ा होता है कि मैथमेटिक्स की तैयारी में साध ने ज़्यादा टाइम लगाया। और अगर इसके अलावा अगर आप मालूम करना चाहो टाइम कोई कॉम्प्लिकेटेड नंबर हो तो उसका ये तरीका है, ये भी आप सीखे। पार्ट नंबर ए, एक मैथमेटिक्स के लिए 2 × 1 hour 2 hours, उर्दू के लिए 1 × 1 hour 4 hours, ठीक। दोनों मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करे, फिर डिवाइड करे, फिर दोनों को कंपेयर करे, देखे कंपैरिजन है। तो आप देखो 2 × 1 hour 2 इस तरफ, 1 × 1 hour 4 इस तरफ, 2 2 से 4 आएगा, 4 और 1 5 डिवाइड बाय 2, 4 1 से 4 आएगा और 1 के साथ प्लस करो तो 5 डिवाइड बाय 4, सही। आप देखें इसको डिवाइड करो 5 2, तो 2 2 से 4 आएगा 1 पॉइंट, यहाँ 0 2 5 से 10 आएगा, ठीक है। यहाँ 5 को डिवाइड करो 4 पर, 4 1 से 4 आएगा, यहाँ 1 पॉइंट, यहाँ 0 4 2 8, यहाँ 2 रिमाइंडर, यहाँ 0 और 4 5 20 हो गया। इससे आता है 2.5, इससे आता है 1.25। ये देखें, ये मैथमेटिक्स है, इधर आप लिखें, ये मैथ्स है और ये उर्दू है। यहाँ से भी आप देखें, ये आर्स और ये आर्स, ठीक है। तो ये टाइम ज़्यादा है, तो ए में आप लिखें कंप्लीट आंसर ये आएगा कि इन मैथमेटिक्स साथ स्पेंड मोर टाइम, ये देखिए, ठीक है।
इसमें बाय हाउ मच, हाँ हाउ मच के लिए देखिए दो फ्रैक्शंस है, ये देखिए एक 5/2 है, एक 5/4 है। बाय हाउ मच ये हमें पता है कि ये टाइम ज्यादा है, ये कम है। अब हाउ मच के लिए सब्ट्रैक्शन है, कितना ज्यादा पड़ा है किस सब्जेक्ट के लिए, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है 5/2, 5/4। तो इसी ए में एक हिस्सा है हाउ मच, तो हाउ मच के लिए सब्ट्रैक्शन 5/2 माइनस 5/4। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, वही मेथड है एलसीएम 2 और 4 का, 2 1 2, 2 2 4, फिर 1 अपनी जगह 1, ये तो इसका एलसीएम आएगा 2 इंटू 2, यहाँ से एलसीएम आया 4। अब यहाँ पे लिखो 4, ओ सॉरी सॉरी, यहाँ पे अब इस फ्रैक्शंस को इक्वलेंट बनाना है, ये तो 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा ना, और फिर माइनस, और ये तो पहले से ही इक्वलेंट है ही, तो ये मल्टीप्लाई करो 5 2 से 10 आएगा, और डिवाइड बाय 4 माइनस 5/4। ठीक, अब इधर देखें तो डिनोमिनेटर सेम है 4 4, तो एक 4 लिखो, और 10 माइनस 5, 10 माइनस 5 से 5 आएगा ये। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तरीका क्या है, डिवाइड करो 4 5 4 1 4, ये तो इधर आएगा 1 इंटू 1/4 बाय हाउ मच, ये वैल्यू है बाय 1 इंटू 1/4, उससे मैथमेटिक्स के लिए ज्यादा पड़ा है, उतना टाइम 1.25 घंटा मैथमेटिक्स के लिए ज्यादा पड़ा है। सही है, तो इसी ए में इसका दूसरा हिस्सा, इसका ये आंसर आएगा। ठीक हो गया बच्चा, अब 4 नंबर क्वेश्चन में पार्ट नंबर बी, 4 क्वेश्चन है, पार्ट नंबर बी है, ये भी आप देखें, हाउ मच टाइम डिड ही स्पेंड स्टडिंग ऑल टुगेदर। अब दोनों के लिए कितना टाइम दिया साध ने, ये भी मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे आप प्लस करो, ठीक हो गया। एलसीएम का इधर से आपको पता है एलसीएम 4 है, तो 5/2 मल्टीप्लाई 2/2, फिर प्लस 5/4, 5 2 10, 4 5/4, एक एलसीएम 4, वहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट करना था, यहाँ पे एडिशन है। ठीक, यहाँ से आ जाएगा 15/4, इसको डिवाइड करो 15 को 4 पर, 4 3 से 12 आएगा, 3 आएगा। ठीक, तो मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता, तो इधर लिखो 3 इंटू 3/4, तो ये टोटल टाइम है दोनों को, इतना टाइम मिला है या दोनों की तैयारी में इतना टाइम लगा है। यहाँ तक ये एक्सरसाइज 1 मुकम्मल हो गया, इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2 नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकेंगे। अल्लाह हाफिज़।